वो कैसे है बोले तीन जगह से वो चढ़े त्रिभंग ललित रूप बोले तीन जगह से चढ़े बोले कारण है कोई सीधा चीज अगर अंदर में जाए ना वो सीधा चीज अंदर में जाएगा कि निकल जाएगा लेकिन कोई टेढ़ा चीज अगर घुस जाए तो वो निकल जाएगा इसलिए कृष्ण तीन जगह से चढ़े कोई सीधा चीज हो अंदर में जाए तो निकल आएगा लेकिन कोई टेढ़ा चीज अंदर घुस जाए टेढ़ा चीज नहीं निकलेगा इसलिए कृष्ण तीन जगह से चढ़े विशेष करके कृष्ण जब राधा रानी को पास में खड़े रहे थे और ज्यादा टेढ़े हो जाते कृष्ण बोले क्यों ऐसे क्यों बोले जब राधा रानी के पास में कृष्ण खड़े होते ना राधा जी की प्रेम ऐसे विचित्र प्रेम से राधा जी की वो अपने आप कृष्ण प्रेम से तीन जगह से चढ़े होता अपना को कृष्ण धीरे धारण नहीं कर पाते इसलिए कहता बंसी करा नृपति तस्खलित से खंड इसलिए कृष्ण इसलिए जब कृष्ण कहते राधा रानी की नजर पड़ते ही कहते श्याम सुंदर राधा रानी की नजर पड़ते ही श्याम सुंदर अपने आप उनका मर मुकुट गिर जाता है हाथ से बंसुरी गिर जाती है उनकी पीताम्बर गिर जाती क्यों राधा जी की जो प्रेम है और राधा जी की प्रेम अद्भुत प्रेम श्री राधा रानी का प्रेम त्रिभंग ललित रूप बंसीधारी अपरूप रसमय निधि गुणसार जो कृष्ण है कहते हैं रसमय मतलब पूरा रसी रस ही कृष्ण पूरा रसी रस कृष्ण इसलिए कहते कृष्ण का सारे रूप में जो सबसे सुंदर रूप है कहते कृष्ण रूप है और कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण जिनको दर्शन करने के लिए लक्ष्मी भी लालायत है जिनको देखने के लिए नारायण भी लालायत है जिसको रूप को देखते हुए देख करके मथुरे से जो कृष्ण है जब वृंदावन कृष्ण की कथा सुनते वो भी पागल हो जाते हैं और कृष्ण जो ब्रज का जो कृष्ण है जब स्वयं को स्वयं देखते हैं ब्रज का कृष्ण भी स्वयं अपना रूप देखकर पागल हो जाते हैं इसलिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर के क्यों आए कारण ये राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के इसलिए आए कृष्ण इतने सुंदर कृष्ण हैं अपना रूप में इतने माधुर्य कृष्ण स्वयं महाप्रभु में आए इसलिए यहाँ पर कहते भगवान की जितने सुंदर रूप है सबसे जो उनका सुंदर रूप है कहते ये कृष्ण रूप कृष्ण जितने सुंदर जगत में कोई सुंदर नहीं इसलिए कभी कभी गोपियाँ कृष्ण का ताना मारती बोले नंद लाला तुझे जो बहुत लाली गला कट जाती था बोले अच्छा हुआ भगवान तेरे को लाली नहीं होना करके लाला हो अगर तो लाली होता है ना लड़की होती तो इतने सुंदर है सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए मर जाती सब कुछ अच्छा हो गया लाली नहीं होगा तो लाली हो समटाइम गोपी टेलिंग ओ वेरी बेस्ट ओके यू आर लाला लाला यू आर मैन इफ यू आर बिकम लेडीज such a beautiful, maybe you are very, very beautiful. If you are any girl or wall, you know, they are that if sara duniya mein log tere ko paane ke liye na apas apas mein ladai karke mar jaate hain. Koi zyada sundar koi ladki hoti hai na? Koi zyada sundar koi ladki hoti hai, unko paane ke liye sara duniya taraste hai. इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है कृष्ण इसलिए कहते हैं जितने कृष्ण के रूप में कहते जो कृष्ण रूप है भक्तिमान ठाकुर कहते हैं इतने सुंदर कृष्ण जिनके चरण से हर्ष में अमृत निकलता है जिनके चरण में अशोक अभय अमृत जिसके चरण में जिनके चरण में अशोक अभय और अमृत जिसके चरण में विद्यमान है
इसलिए बोले जितने सुंदर रूप में कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ, बोले श्याम रूप इनके सर्वश्रेष्ठ। बोले उनके दूसरी प्रश्न बताओ, दूसरा प्रश्न क्या था, कहते तो उनका अनंत धाम है, लेकिन अनंत धाम में कृष्ण का सबसे श्रेष्ठ कौन सा धाम है, मधुपुरी। मधुपुरी मतलब श्री वृंदावन धाम, इसलिए उसका नाम मधुपुरी क्यों नाम पड़ा, बोले मधुपुरी मतलब जहाँ पर मधुरी मधुरी, जहाँ पर मिठाई मिठासी, पूरा मीठा वृंदावनसी, मिठाई मिठासी वृंदावन धाम है। इसलिए जो वृंदावन धाम है, कल एक समय सारे तीर्थ बैठे मीटिंग किया, बोले सारे तीर्थ में धाम में कोई तो जिस कोई राजा होता है ना, राजा को प्यार से भरना पड़ता है, सारे तीर्थ बैठ के मीटिंग किया, तीर्थ में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ किसको माना था, तब कृष्ण बैठ करके बोले एक काम करो, जो प्रयाग है उसको श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रयाग, क्यों, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों नदी जहाँ पर मिले, दोनों पवित्र, तीनों पवित्र नदी है, लेकिन नियम है जो राजा होता है उसको कर भरना पड़ता है, टैक्स करना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अभी सारे तीर्थ तो प्रयाग को टैक्स करने के लिए आते हैं, उसको दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन वृंदावन से कोई नदी भी नहीं आता, कोई तालाब भी नहीं आता, यहाँ पर तो कोई कुआं तक भी नहीं आता, कोई कुआं तक भी उसको टैक्स करने के लिए देखने के लिए नहीं आता। एक दिन उन्होंने कंप्लेंट कर दिया, एक दिन तीर्थराज प्रयाग कृष्ण से कंप्लेंट किया, बोले कृष्ण तुमने मेरे को तीर्थराज प्रयाग बनाया, लेकिन इस सारे तीर्थ मेरे पास में आते हैं, लेकिन तुम्हारी वृंदावन के कुआं तक भी नहीं आते, एक कुएं तक भी नहीं आता है, तब मेरे को फिर तीर्थराज के समय बन गया। इतने में कृष्ण कहते देख प्रयाग, मैंने तुमको तीर्थ बनाया ना, बोले हाँ, लेकिन मेरे घर का सा राजा तेरे को नहीं बनाया, ये वृंदावन मेरे घर है, वृंदावन मेरे घर है, वृंदावन अपना घर वृंदावन, और वृंदावन का इतने महत्व, इतने महत्व, कहते वहाँ के जो एक चतना तीर्थ, कहते किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा, जो प्रयाग कहते हैं, बोले किरत सुता मतलब राधा रानी के हर पग जहाँ पर उनकी एक स्टेप पड़ता है, पग पग में जहाँ पर उनकी एक चरण पड़ती है वो प्रयाग है, किरत सुता के पग पग में प्रयाग है, बोले केशव के चली कुंज कोटि कोटि काशी है, कहते कृष्ण का जो कुंज है बोले एक काशी नहीं करोड़ों करोड़ों काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पहले बसत है हरिद्वार, गोपियों की दरवाजा में जो हरिद्वार है उनकी दरवाजे के पास में ये हरिद्वार का निवास है, बोले बद्री केदारनाथ बसत दास दास, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री ये भगवान की दास दासी है, इसलिए वृंदावन की जो धाम की जो महिमा और कहीं नहीं, जो एक बार वृंदावन धाम गए सब धाम उसको हो गया, सारे धाम तीर्थ उसको हो गया, बोले से वृंदावन धाम की। इसलिए बोले भगवान की धाम से सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है, बोले श्री मधुपुरी, क्योंकि जो वृंदावन है राधा रानी की हृदय, राधा रानी की हृदय से वृंदावन, इसलिए से रूप गोस्वामी कहते हैं वैकुंठ से जनित परा मधुपुरी, वैकुंठ से श्रेष्ठ कौन सा है, बोले मथुरा, बोले क्यों मथुरा श्रेष्ठ है, बोले भगवान जहाँ पर कृष्ण जन्म लिया अजन्मा उस कवि भी जन्म लिया, बोले उनसे श्रेष्ठ है, बोले श्री वृंदावन, बोले क्यों, बोले भगवान जहाँ रास है ठाकुर जी को जहाँ रास लीला हुई, बोले उनसे श्रेष्ठ, बोले गिरिराज, बोले क्यों गिरिराज श्रेष्ठ है, बोले गिरिराज स्वयं कृष्ण है, बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले राधा कृष्ण श्याम, बोले क्यों, क्योंकि गिरिराज का तो आँख है राधा कृष्ण श्याम, जैसे तुम्हारी शरीर है, लेकिन शरीर का सबसे मेन अंग क्या है, तो आँख है, एक व्यक्ति सुंदर से सुंदर है लेकिन उसकी आँख नहीं, फिर विकार है, अगर जिस आँख नहीं वो विकार है ना, देखने में बड़े सुंदर लेकिन आँख नहीं, इसलिए शरीर का जो मेन अंग है दो चक्षु, दो आँख है शरीर का मेन,
इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड भगवान भी तो आ गए और राधा कृष्ण दोनों ही राधा कुंड श्याम कुंड रूप में राधा कृष्ण दोनों ही राधा कुंड श्याम कुंड रूप में। इसलिए राधा कुंड श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदा विपिन्न सुरम्यमपि, वृंदावन धाम की बहुत महिमा है, बहुत महिमा वृंदावन धाम है, लेकिन वृंदावन धाम की महिमा बहुत होने पर भी उसमें श्रेष्ठ भी एक तो वृंदावन धाम उसमें भी श्रेष्ठ है श्री जहाँ पर नंदगांव बरसा है, जहाँ पर नंदगांव में जहाँ पर राधा रानी की दिव्य उन्मा राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ प्रकाशित हुआ, जहाँ पर इसे उद्धव किया है, जहाँ पर प्रेम की सर्वश्रेष्ठ और प्रेम सरोवर में वहाँ पर तो प्रेम ही प्रेम है, राधा कृष्ण तो मत प्रेम में द्रवित होकर के कुंड बने, जहाँ पर उनको प्रेम वैचित्रता प्रकट हो, लेकिन होने पर भी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन में बहुत सारे स्थान हैं, वृंदावन के धाम की महिमा बहुत है, लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ये सारे धाम की महिमा को वृंदावन के दूसरे दूसरे स्थान की सारे महिमा को एकत्रित करने पर भी लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड की एक कर्ण को साथ भी ये सारे वृंदावन की महिमा उसकी एक कर्ण को साथ में बराबर नहीं कर सकते, इतने महत्व श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड है। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी हैं, इन लोगों ने सब के सब श्री राधा कुंडों को आश्रय ग्रहण करते हुए भजन किया। इसलिए श्री कृष्ण भी अगर कभी राधा रानी मान कर लेते थे, मान करने पर कृष्ण क्या करते थे मना में दीजिए, राधा कुंड में तीन बार स्नान करते थे, राधा कुंड में तीन बार स्नान करके राधा कुंडक तट में कृष्ण बैठ करके राधा रानी के मंत्र जप करते, राधा रानी संतुष्ट हो जाए, बोले क्यों, बोले जो राधा कुंड है वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। इसलिए यहाँ पर कहते यद्यपि भगवान की बहुत सारे धाम हैं लेकिन इन धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा है, बोले श्री वृंदावन, वृंदावन में गिरिराज और गिरिराज गोवर्धन में श्री राधा कुंड श्याम कुंड। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जगत में ऐसे कौन सा विवेक व्यक्ति हो जो राधा कुंड श्याम कुंड में निवास करना नहीं चाहते, बोले भैया अगर सबके सब राधा कुंड में चले जाएंगे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, वहाँ पर रहेंगे कैसे, बोले अगर तुम शरीर से निवास नहीं कर सकते हो मन को द्वारा निवास करो, अपना मन से निवास करो, बोले मन से कैसे निवास करेंगे, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते बोले तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नये अखिल एक उपदेश सारा, बोले जितने सारे उपदेश हमें सर्वश्रेष्ठ उपदेश किया है, बोले सर्वश्रेष्ठ उपदेश है वृंदावन में रह करके राधा कुंड श्याम कुंड में रह करके भजन करो, राधा कुंड श्याम कुंड में रह करके भजन करो, बोले भैया सबके सब चले जाएंगे इतना लोग रहेंगे ना पर पैसा कहाँ से आएगा, हम खाना पीना बन रहे, बोले अगर शरीर से नहीं रह सकते हो मन से रहो, मन का द्वारा रहो, बोले मन में कैसे रहेगी, कहते अपना मन का द्वारा कैसे रहेगा है, इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो रोज हम कीर्तन करते हैं ना, रोज कीर्तन करते हैं जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन काल प्रिय मुनाय जय महावन केसरी घाट बंसी वट द्वादश कंठ जहाँ सब लीला करल श्री नंद नंदन। इसलिए जब हम इस कीर्तन करते हैं ना है? हम कहाँ रहते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड में रहते हैं, क्योंकि हम जिसको स्मरण करते हैं
रामचंद्र महाराज की। बोले हम जिसको स्मरण करते हैं ना हम वही कर रहे हैं, जिसको हम स्मरण करते हैं। इसलिए देखो हमारी भक्ति प्रज्ञान कैसे हो स्वामी महाराज है, उनमें जो मंगल आरती गाते हैं, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण जो गल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जागे भक्त हृदय। ये जितने सारे कीर्तन है ना हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज करते हैं। जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज इन्होंने मंगल आरती लिखे तब गुरु जी को बोले देखो मंगल आरती कैसे हो। गुरुदेव का बहुत बड़ा हो गया, गुरुदेव के इतना बड़ा लंबा कीर्तन है, मंगल आरती छोटा होना चाहिए इतना बड़ा। गुरुदेव कहते थे भक्ति सिद्धांत को देखा है, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने हमारे 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 महाराज जी को नारायण गोस्वामी महाराज को बोले देखो मैंने एक मंगल आरती लिखा है। महाराज बोले बहुत लंबा हो गया कीर्तन, ये बहुत लंबा हो गया। तब महाराज कह रहे थे लेकिन हमने जो गोविंद लीलामृत को पढ़ा है, कृष्ण भावनामृत ग्रंथ को हमने पढ़ा है, कृष्ण भावनामृत गोविंद लीलामृत ग्रंथ को जब पढ़ा देखा गुरुदेव ने सारे गोविंद लीलामृत कृष्ण भावनामृत जो ग्रंथ है कैसे राधा कृष्ण निकुंज में विश्राम करते हैं, मंजरी सखियाँ कैसे आकर के उनको कैसे धीरे धीरे कैसे जगाते हैं उनको, और उनको कैसे ये आरती उतारते हैं, पूरा उन्होंने कृष्ण भावनामृत और पूरा गोविंद लीलामृत पूरा ग्रंथ को उन्होंने दिया है। कैसे मंजरी सखियाँ कैसे उनका आरती उतारते हैं, उनको कैसे पूजा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, उन्होंने देखा पूरा जो पूरा उनको होता है, हैं? मतलब जब हम सवेर सवेर उठते हैं सवेर सवेर, इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं, हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि कभी गौड़ी मठ नहीं है, कभी प्रभुपाद ने गौड़ी मठ नहीं बोले क्या है, बोले राधा रास की निकुंज महल है। कहते मैंने गोलोक वृंदावन से राधा रानी के निकुंज महल को मैंने गौड़ी मठ का रूप दिया, जैसे गोलोक वृंदावन में राधा रानी की निकुंज महल में जो जो हो रहा है मैंने गौड़ी मठ में भी करवा दिया। वहाँ पर क्या होता है सवेरे सखी मंजरियाँ उठ करके सवेरे सवेरे नहा धो करके तिलक करके राधा कृष्ण को जगा दे, देखो यहाँ पर भी जगा दे, यहाँ पर भी जगा दे हैं सवेरे मंगला, इसलिए मंगल आरती में आनी चाहिए मंगला, इसलिए उसको दिशा कहें ना अष्ट जान है भगवान की, आठ जान है, आठ पीरियड है, आठ पीरियड में जो जहाँ से शुरुआत होता है ये आठ पीरियड पहले निशांत, निशांत मतलब क्या है नैसे मतलब होता है अंधकार, अंत मतलब जहाँ अंधकार अंत होकर के आलोक जगता है, आलोक जगता है जहाँ पर रात्रि खत्म हो गया मतलब अज्ञान दूर हो गया और जहाँ पर सूर्य उदय मतलब ज्ञान उदय सब, इसलिए भक्ति का जो सबसे पहला ये मंगलारती, इसलिए इसका नाम रखा मंगलारती। मंगलारती मतलब क्या है, मंगलारती का मतलब होता है जहाँ पर दर्शन करने से जीवन में मंगल होता है, जिसको दर्शन करने से मंगल होता है, इसलिए अगर हम मंगलारती नहीं करेंगे ना हमारा मंगल कभी हो ही नहीं सकता है, इसलिए मंगलारती करने पर कभी जीवन में मंगल मंगल तभी होता है जब जीवन में मंगलारती को दर्शन करें, इसलिए जरूर मंगलारती में आनी चाहिए, मंगलारती में आनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद का समय में, प्रभुपाद का समय में उस समय भी होता था नियम सबको सबको मंगलारती में आना पड़ता, प्रभुपाद भी रजिस्टर होता था कौन आए और कौन नहीं आए, उनको टीवी लगाया करते थे है? और हम जब मथुरा में रहते थे हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा में रहते थे, महाराज जी आकर के ना महाराज जी सबसे पीछे खड़े हो जाए, हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज वो आकर के सबसे पीछे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जा करके
वो देखेंगे भैया मंगलारतमी कौन आया और कौन नहीं आया है, मंगलारतमी कौन आया और कौन नहीं आया, वैसे ऐसे देखते रहेंगे। अगर कोई नहीं आएगा ना जा करके ठंडा के समय पानी डाल दो, इसलिए पानी डाल दो उसको, इसलिए गुरुदेव पीछे सबसे खड़े होकर देखते थे। और गुरुदेव पुलिस देखा उनका साथ बढ़ते ही जी महाराज, हमने देखता था महाराज जो आँख है ना आप लोग देखे होंगे, उनका आँख का जो पुतला है महाराज बड़े चंचल है, अब देखना जैसे कैसे ना मृग नहीं है। राधा रानी को उदाहरण क्या देते हैं, राधा रानी को उदाहरण को मृग नहीं है, राधा रानी की जो आँख है हिरण जैसे, हिरण जैसे कैसे आप देखना हिरण का जो आँख है वो बड़ा तेज है इधर इधर इधर। अब गुरुदेव का आँख देख रहे ना उनका जो आँख की जो पुतला था ऐसे पूरा ऐसे ऐसे आप देखो पूरा ऐसे ऐसे ना पूरा जैसे गुरुदेव को लगता था गुरुदेव इधर देख रहे हैं लेकिन इधर नहीं उनका इधर नजर है। कौन क्या कर महाराज आँख बड़ा तेज था, कौन कथा में बैठ कर सुन रहा है कौन सो रहा है क्या कर रहे हैं ना, गुरुदेव को पूरा पूरा नजर गुरुदेव था रहता कथा में कौन क्या कर रहे नहीं कर रहे बड़ा तेज गुरुदेव। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये गौरी मठ में ही कहते क्या है बोले राधा रानी की ये निकुंज महल है और जो जो वहाँ पर हो रही है प्रभुपाद यही पर उन्होंने स्थापना किया, मंगलारती कीर्तन में बैठो कथा सुनो है, कीर्तन में बैठो कथा में बैठो ठाकुर को सेवा करो मध्यान्ह भोग आरती गाओ संध्या आरती गाओ, राधा कुंड श्याम कुंड में कैसे सखी मंजरिया राधा कृष्ण की आरती करते हैं, शाम को कैसे कृष्ण वापस आते हैं उनकी आरती करते हैं, पूरा इसमें गौरी मठ में कहते राधा रानी की ये निकुंज महल है। और ये ट्रेनिंग सेंटर ये जो स्थान ये ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ जैसे ट्रेनिंग जाते हैं ना जो जितने सुंदर ट्रेनिंग करेगा उसको नौकरी उतना बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, अगर अगर यहाँ फेल हो गए ना वहाँ से पूरा फेल है, अगर यहाँ फेल हो गए तो पूरा फेल है, फिर नौकरी नौकरी वहाँ नहीं मिलेगी, गोलोक वृंदावन में नौकरी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर अगर तुमने सक्सेसफुल हो गया कि गौरियापट में जितना रोल रेगुलेशन है अगर इसको पालन करते हुए सक्सेसफुल हो गया बस वहाँ भी बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, बस बैठ बैठ करके पेट चलाओ चकाचक तनखा मिलेगा चकाचक, हाँ फिर तुम वहाँ चकाचक चकाचक। इसलिए कहते इसलिए कहते गौरियापट में कहते क्या है राधा रानी की निकुंज महल श्री ये गौरियापट है, इसलिए यहाँ पर श्री इसलिए यहाँ प्रश्न करते हैं भैया कृष्ण की बहुत सारे धाम हैं लेकिन इस सारे धाम में श्रेष्ठ कौन सा धाम है, श्री वृंदावन धाम है, बोले श्री वृंदावन धाम की जय। कहते भैया ये वृंदावन धाम श्रेष्ठ क्यों है कारण क्या, बोले कारण ये वृंदावन नहीं, राधा रानी कहती है आनर हृदय मन मोर मन, कि दूसरा का जो हृदय वो मन है, मन मतलब क्या होता है मन में बड़ी गंदी 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 चीज़ें आती हैं, इसलिए दूसरा का जो मन वो मन है जिसमें चंचलता है उल्टा पुलटा चीज, लेकिन मेरे जो मन है ना वो मन नहीं वो वृंदावन, मेरे मन वृंदावन, बोले वृंदावन क्यों, बोले वृंदावन में क्या होता है, बोले वृंदावन में राधा कृष्ण की सुंदर सुंदर जान लीला, कृष्ण लीला कहाँ करते हैं वृंदावन धाम में, कृष्ण वृंदावन धाम में लीला करते हैं और कृष्ण कहीं नहीं करते, क्यों वो राधा रानी के हृदय, राधा रानी की हृदय है इसलिए वृंदावन धाम, इसलिए कहते सर्वश्रेष्ठ धाम कौन सा श्री वृंदावन धाम। बोले भैया कृष्ण की तीन तरह का उम्र है, तीन तरह का लीला है उनकी, तीन तरह का लीला है, बोले लीला में लेकिन उनको कौन सा लीला को हमें ध्यान करनी चाहिए, कहते उनको जो जो किशोर लीला है कहते किशोर लीला को हमें ध्यान करनी चाहिए, उनके बाल्य औगर्व और कैशोर उनकी तीन तरह की लीला है, एक बाल्य लीला है एक उनकी औगर्व लीला जहाँ पर बाल्य और बीच का जहाँ उम्र जहाँ मिलता है और एक है औगर्व लीला जहाँ पर बाल्य लीला और मध्य बीच का कैश्वर और बाल्य जो बीच का जो रूप है ना वो, इसलिए और जो उनका कैश्वर लीला है, इसलिए कृष्ण जो रास लीला क्या कौन सा लीला में किया है
बोले कैश्वर लीला, क्योंकि जब तक किश्वर अवस्था नहीं होना, रास में गोपियों के साथ जो लीला है वो किश्वर अवस्था में ही वो लीला को कर सकते हैं, दूसरे लीला में नहीं, वो कैश्वर अवस्था में। इसलिए बोले भगवान अपी धारात्री, जो ता शब्द है बहुवचन में, बोले भगवान जो रास क्या कौन सा, लेकिन जब देखा अपना पूर्ण जौवन किश्वर, गोपियों की उम्र किशोरी है, किश्वर किशोरी, तब उन्होंने ये रासलीला की है। और भगवान की जितना लीला में ये रासलीला सर्वश्रेष्ठ लीला है रासलीला उनकी। इसलिए कहते वो जो रासलीला राधा कृष्ण की, लेकिन जय है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने आर नहीं मोर काल धीर को लेके कदम ढेर बना रतन वीर ऊपर बसब तुजन श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदने रंध चामर गुलाब गावे चंद्र। इसलिए कहते श्रीनरतम दास ठाकुर कहते हैं हमारे राधा कृष्ण प्राण और जुगल, कहते हमारे प्राण क्या है, राधा कृष्ण ही हमारी प्राण, ये जुगल किशोरी हमारी प्राण। कब ऐसे दिन आएगा जब हम राधा कृष्ण को बैठा करके अपना हाथों से सुंदर श्रृंगार करेंगे, फूलों की माला बना करके गले में धारण कराएंगे, हैं उनकी चरण की हम सेवा करेंगे, उनका आरती उतारेंगे, उनकी सेवा करेंगे। इसलिए कहते उनका जो सर्वश्रेष्ठ उनकी जो ध्यान योग्य जो लीला है कहते श्री कैश्वर लीला है। बाल्य लीला को भी ध्यान करते हैं लेकिन कौन करते हैं, कहते बाल्य लीला को भी ध्यान करते हैं जो वात्सल रस में उपासना करते हैं, वात्सल रस उपासना, लेकिन हम लोग कौन सा रस उपासक है, कहते हम श्री श्रृंगार रस उपासक है। इसलिए कहते भैया उनकी जो लीला में कहते वह सर्वश्रेष्ठ लीला क्या है, इसलिए कहते रस को अंदर में रस को अंदर में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा है, बोले रसों में जो सर्वश्रेष्ठ रस है आजकल एव पर रस, अध्यय मतलब जो श्रृंगार रस है, जो श्रृंगार रस ही कहते यही आदि, आदि मतलब में जिनसे सारे रस का प्रकट होता है, जिनसे सारे रस का प्रकट होता है वो कौन सा रस है, कहते श्री श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, कहते श्री मधुर रस है। इसलिए राधा रानी को क्या बताया, श्रृंगार के मूर्तिमान स्वरूप जैसे राधा रानी, इसलिए महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी है, इसलिए सारे रस की उत्पत्ति वहीं से राधा रानी से ही सारे रस की उत्पत्ति होती है श्री राधा रानी से। जब उन्होंने ये सब बात को बताया ना, तब श्री माधवेंद्रपुरी ने कहते श्री माधवेंद्रपुरी की रचित एक श्लोक है, माधवेंद्र उसको तो रघुपति उपाध्याय ने बताया, तब महाप्रभु उसको सुन करके उन्होंने एक उन्होंने श्लोक को उच्चारण किया, बोले क्या है, बोले श्यामेव परम रूप, टू ट्राई रिमेम्बरिंग दिस श्लोक, वेरी वेरी गुड श्लोक, बोले श्यामेव परम रूपम पुरी मधु पुरी करा वय कैश्वर तध्यायम माध्य एव परो रस। ये श्लोक को श्री माधवेंद्रपुरी का किया हुआ रचित श्लोक है, तो महाप्रभु उन्होंने ये श्लोक को उच्चारण किया है। कहते ये एक श्लोक में ना हमारे गौड़ीय वैष्णव का जो पूरा फिलोसफी है, हमारे गौड़ीय वैष्णव का जो पूरा फिलोसफी है एक श्लोक में किया गया है, पूरी एक श्लोक में सारे फिलोसफी हो हमारे, जैसे कहते हैं ना आराध्य भगवान ब्रज से सन्नय तद्धाम वृंदावन रंगा काचित उपासना ब्रज रघुवर के निकल कर दिया, जैसे वो श्लोक है हमारे गौड़ीय वैष्णव का पूरा फिलोसफी। कहते ये जो श्लोक है पूरा हमारे गौड़ीय वैष्णव का ये पूरा फिलोसफी, हमारे महाप्रभु धारा का भी ये पूरा ये एक श्लोक है पूरा हमारी
गौड़ीय वैष्णव का फिलोसफी। इसलिए कोशिश करना कि इस श्लोक को याद कर ले, बहुत अच्छा श्लोक है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बताए महाप्रभु कैसे प्रयाग में, जैसे श्री बल्लभाचार्य जो घर में गए, और बल्लभाचार्य श्री ये कहते हैं ये विष्णु स्वामी संप्रदाय का बहुत बड़े आचार्य, बहुत बड़े आचार्य ये बल्लभाचार्य हैं। बल्लभाचार्य इनके बल्लभ कुल में पहले यहाँ पर गए थे, पहले ये गौड़ीय वैष्णव में थे ये, लेकिन महाप्रभु जब उन्हें गौड़ीय वैष्णव में आए, बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको सुबोधित नाम का टीका है, बहुत बड़े विद्वान, प्रखर तेज बुद्धि, बड़े नाम उनकी है, बड़े विद्वान। इसलिए इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने मायावाद खंडन किया, ब्रह्मवाद, और ऐसे खंडन किया उनको 108 सोने की कलसी में इनकी अभिषेक की गई, सोने का कलसी, सोने के घड़ा में इनकी अभिषेक किया गया इनके, मतलब इतने विद्वान थे और मायावाद को ऐसे उन्होंने खंडन किया, इनको स्नान की गई, मतलब बहुत बड़े विद्वान। लेकिन जब महाप्रभु के पास आए ना, महाप्रभु के भक्तों के पास में, लेकिन इनकी इतने विद्वान महाप्रभु तो बहुत बड़े विद्वान, लेकिन रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनको विद्वता के सामने इनकी विद्वता कहाँ चलती। महाप्रभु का जो परिकर है जीव गोस्वामी, ये तो एकदम धुरंधर है, बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन जो महाप्रभु के पास में जो विद्वान, इनको पास में इनकी विद्वत्ता कहाँ चलती है। इसलिए उनको इतना आदर नहीं मिला, गौड़ीय वैष्णव आदर नहीं मिला, तो उन्होंने फिर उसको छोड़ के चले गए, फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय में गए, विष्णु स्वामी, क्योंकि वहाँ पर उनको बड़े इज्जत मिला, बड़े आदर मिला, और आचार्य बन चुका है। इसलिए इन्होंने महाप्रभु का अपना घर लेके गए थे, महाप्रभु ने सेवा किया, चैतन्य महाप्रभु से सेवा किया, चरण की सेवा किया। इनके दो बेटे थे, गोपीनाथ और श्री विठल नाथ, कहते इनके दो बेटे थे, इनकी ये दो बेटे थे, दोनों बेटे को लाए महापुरुष का चरण में उन्होंने प्रणाम कराया, चैतन्य महापुरुष का चरण में उन्होंने प्रणाम कराया है, उन्होंने प्रणाम कराया। इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने ये रूप गोस्वामी का हृदय है, इन्होंने प्रयाग में जितने रस तत्व, कृष्ण तत्व, प्रेम तत्व, जितने सारे तत्व उन्होंने इनके हृदय में स्फूर्ति कराया, रूप गोस्वामी के हृदय में उन्होंने स्फूर्ति कराया। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, बोले काल में वृंदा बन के वार्ता लुप्ते ताख्याप इत विशस्य कृपा मृतना भीष देवस्तत्रैव रूपं च सनातनं च। यहाँ पर एक श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, हाँ बोले काले वृंदावन के वार्ता लुप्त है चल। इसलिए धीरे 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 हर समय भक्ति जगत में भी जुहार बटा आती है, मतलब कभी कभी भक्ति जगत में ऐसा आता है भक्ति को बढ़ती है, फिर कुछ दिन बाद में क्या होता है भक्ति धीरे 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 सिर्फ है धीरे 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 भक्ति घटती है। हमने सुना कम से कम ये जो भक्ति 3 पीढ़ी तक सही रहती है, 3 पीढ़ी तक सही रहती है, फिर उसको बाद में ना धीरे 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 भक्ति घटती है, घटती है, मतलब वो जो रूल रेगुलेशन जो भजन पद्धति को फिर अपना जीवन में कोई सही सही आचरण नहीं लाती, फिर भक्ति जगत में धीरे 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 घट जाती है। फिर ऐसे कोई अच्छे जो आचार्य आए, अगर भगवान फिर कोई आचार्य जो भेजते हैं राष्ट्र आचार्य आते हैं, फिर उन्हें भक्ति धारा का पूरा एकदम उच्चे तक ले जाते हैं। जैसे महाप्रभु आए, महाप्रभु आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, महाप्रभु का समय के सारे भक्त लोग ये लोग आए, लेकिन ये लोग आने के बाद ना धीरे 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 भक्ति घटते गई, जब घटते गए फिर उसके बाद में फिर 3 आचार्य आए, कौन, नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास, नरोत्तम, श्यामानंद, श्रीनिवास फिर आए, फिर उन्हें जगा दिया, फिर उन्हें जगा दिया, फिर उसके बाद में धीरे 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 घटते गए, घटते गया तो फिर कौन आए, श्री भक्तिविनोद ठाकुर आए, श्री हाँ विश्वनाथ चंद्र बलदेव विद्यापति प्रभु आए, हाँ फिर उन्होंने भक्ति को फिर जगाया, फिर धीरे 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 उनको बाद में जितने घटते गए, फिर श्री भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद आए, फिर उन्होंने जगा दिया, और ऐसे जगाया ना
पूरा दुनिया में लगा दिया। आप विश्वास करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने हैं, प्रभुपाद ने तो पूरा दुनिया में टहलका उन्होंने मचा दिया है। इन्होंने प्रभुपाद ने इन्होंने अपना शिष्य प्रशिष्य को भेज करके भक्ति वेदांत स्वामी महाराज को विदेश में गए हैं, फिर हम लोग घर आए, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने हैं, फिर हमारे गुरुदेव में गए, फिर उन्होंने जब भक्ति को धीरे 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 बढ़ाया, फिर प्रभुपाद का प्रभुपाद उनका शिष्य लोगों ने बढ़ाया हैं। अभी धीरे धीरे कभी घटते आए, फिर कोई बड़े कोई साधु थे, फिर महाप्रभु किसको फिर भेजेंगे, भेजेंगे तो फिर भक्ति धारा को फिर उन्होंने ऊपर उठा देंगे, फिर भक्ति धारा को उन्होंने ऊपर भी उठा देंगे। इसलिए भक्ति जगत में उत्थान पतन होती रहती है, भक्ति जगत में बढ़ती है कभी कभी भक्ति जगत में घटती है। इसलिए यहाँ कहते हैं काले में वृंदावन के दीवार, काल के प्रभाव से वृंदावन जो रस के लिए वार्ता है हैं, उन्होंने धीरे 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 जब लुप्त तो हो गया था हैं, कभी श्री मन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, श्री रूप और सनातन इनको बताया दो सेनापति, सेनापति होते हैं जो आगे चलते हैं, कहते महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, तो दो सेनापति का रूप दिया और रेख के सामने भेजे, पास रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आए, पूरा उन्होंने भक्ति धारा को पूरा जगा दिया। इसलिए श्री लोचन का दास ठाकुर कहते हैं बोले एल गौर रस नदी, बोलो कादंबिनी होए भाषाई लगौर बेस प्रेम वृष्टि दीजिए, तो उसमें रूप सनातन को बता रूप सनातन ताए हाई लिजो, तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तो क्या उन्होंने उदाहरण दिया है, कहते उनको उदाहरण दे आकाश में मेघ है, मेघ है लेकिन इस उसमें मेघ तो सुंदर है लेकिन देखना जब उसमें बिजली चमकती है ना, उसमें जो बिजली चमकती है उसमें और भी सुंदरता आ जाती है। इसलिए महाप्रभु का मेघ है लेकिन वो बिजली का काम कौन किया, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये बिजली का काम एकदम महाप्रभु है, लेकिन इसलिए रूप इनका नाम दिया रूप, इनका नाम ने रूप दिया है, रूप क्यों दिया कि महाप्रभु का रूप है, श्री सनातन गोस्वामी का रूप, स्वरूप दामोदर का रूप, राधा कृष्ण का रूप, ये सबका रूप कौन है, श्री रूप गोस्वामी, सबका रूप श्री रूप गोस्वामी। इसलिए श्री चैतन्य मन अभिष्टम स्थापितम जन भूतल, महाप्रभु का जो मन अभिष्ट को जगत में किसने स्थापन किया, बोले श्री रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी लोगों ने महाप्रभु की अभिष्ट मतलब इनका इच्छा को हमने स्थापन किया, इसलिए इनका नाम कहते श्री रूप। इसलिए यहाँ पर कहते उन्होंने हैं, कहते उन्होंने इसलिए श्री रूप गोस्वामी के लिए यहाँ पर एक सुंदर हैं, एक सुंदर उन्होंने एक श्लोक है कहते प्रिय स्वरूपे, उसके बाद दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाग रूपे निजांग रूपे प्रभुरेख रूपे तत्म रूपे सुविलास रूपे। इसलिए रूप का ना यहाँ पर उन्होंने झरी लगा दिया रूप, क्यों इनका नाम श्री रूप हुआ है, यहाँ पर उन्होंने पूरा उन्होंने झरी लगा दिया है रूप गोस्वामी के लिए, पूरा उन्होंने एक श्लोक को बड़े सुंदर कहते इनका नाम प्रिय स्वरूप। तो प्रभुपाद कहते हैं इनका नाम रूप क्यों है, इनका नाम रूप नाम क्यों पड़ा है, बोले पहला नाम प्रिय स्वरूपे है, कहते प्रिय स्वरूप मतलब क्या, बोले प्रिय भक्त तत् स्वरूप जह तस्मिन भक्त रूपे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इसलिए इनका नाम प्रिय स्वरूप है, बोले प्रिय भक्त तत्व स्वरूप, कहते जितने भक्तों में कहते महाप्रभु का सबसे ज्यादा प्रिय कौन भक्त है, जितने सबसे सब प्रिय है, सबके सब तो महाप्रभु का भक्त, सबके सब प्रिय छोटे बड़े सबके सब महाप्रभु का प्रिय है, लेकिन ये कहते हैं होने पर भी यहाँ पर कहते हैं इनको प्रिय स्वरूप क्यों बताया गया, इसलिए बताया गया जितने भक्तों में
जो सर्वश्रेष्ठ तो भक्त कौन है? श्री रूप गोस्वामी। बोले क्यों? ये सबसे भक्त श्रेष्ठ रूप गोस्वामी कारण क्या? बोले कारण है कहते एक तो ये श्री रूप मंजरी, कृष्ण लीला कौन है? श्री रूप मंजरी। रूप मंजरी होने का नाते जब तक इनकी कृपा नहीं हो ना, इसलिए श्री ये कहते हैं हमारे श्री कौन कहते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लैया जावे, श्री रूपे र पाद पद में मोरे समर्पिवे। कहते ऐसे कब दिन होगा? नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे कब दिन होगा कबे लोकनाथ मोरे संगे लैया। लोकनाथ दास कौन है? सदस्य उनकी गुरुदेव श्री लोकनाथ ठाकुर गुरुदेव। कब ऐसे दिन आएगा मेरे उस गुरुदेव हमें हाथ पकड़ के कहाँ ले जाएंगे? कब्बे लया जब श्री रूप मेरे पाद पद में मुझे समर्पेंगे। कहते श्री रूप गोस्वामी के चरण में उनकी चरण में हम समर्पित करेंगे हैं। फिर श्री रूप गोस्वामी क्या करेंगे? हमें लेकर के ललिता विशाखा के पास पहुँचाएंगे। ललिता से क्या करेंगे? फिर राधा के चरण में पहुँचाएंगे। फिर राधा क्या करेंगे? फिर कृष्ण जुगल सरकार की फिर सेवा प्राप्त है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, यहाँ पहले शिक्षा देते, पहले हम डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा हमें नहीं मिल सकता है। पहले क्या होगा? हमें श्री गुरुदेव हमें हाथ पकड़ करके पहले गुरुदेव ले जाएंगे, पहले गुरुदेव हमें ले जाएंगे हैं, गुरुदेव ले जाएंगे। अगर गुरु गुरु को छोड़ करके गुरु नहीं है, हम तो डायरेक्ट ठाकुर की सेवा में लगे नहीं, गुरु छाड़ गोविंद सेवा में रहते हैं। जो गुरुदेव को छोड़ कर डायरेक्ट गोविंद भजन करता है वो पाप नरक में जाए, बोले वो नरक भोग करता है, वो नरक भोग करता है। इसलिए अगर हमें गुरुदेव ले जाएंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे? श्री रूप गोस्वामी तक, श्री रूप मंजर कर ले जाए, फिर वो हम ले जाए। और जब तक इनको पास में नहीं पहुँचा सकता ना, हम कभी भी ठाकुर के पास में नहीं जा सकते। इसलिए कहते जितने भक्तों की सबसे प्रिय भक्त श्री रूप गोस्वामी, सबसे महाप्रभु का प्रिय। इसलिए महाप्रभु का जो हृदय है, हृदय की भावना को कौन समझे? बोले श्री रूप गोस्वामी। केवल महाप्रभु का हृदय रूप गोस्वामी समझे। रथ यात्रा का समय में जो एक श्लोक को उच्चारण कर रहे थे, कोई इस श्लोक को समझ नहीं पा रहे थे, क्यों किसलिए इस श्लोक बोल रहे, लेकिन इन्होंने ही ठीक उसके अनुरूप एक श्लोक को लिख करके उन्होंने ताल पत्ते में रख दी। और जिसको महाप्रभु देख करके इतने प्रसन्न होंगे, बोले रूप तो मेरी हृदय की भावना कैसे समझे? केवल दो व्यक्ति समझ गए, श्री स्वरूप दामोदर रूप गोस्वामी। बोले तुम्हें मेरी हृदय की भावना तुमने कैसे समझ गया? तब उन्होंने बोले जरूर आप इनके हृदय में शक्ति संचार की, जरूर आप इनके हृदय में अपने शक्ति संचार किया, तभी तो समझ, आपके हृदय कौन समझ सकता है, है? और दूसरी कारण क्यों समझ? बोले प्रिय स्वरूप रूप है ना, किसके रूप? सबका रूप, राधा जी के रूप, कृष्ण के रूप। रूप होने का कहते कृष्ण के राधा जी, तो आप तो यही समझेंगे महाप्रभु का रूप है, इसलिए तब तक इनकी भावना को समझेंगे। इसलिए कहते इसलिए इनका नाम प्रिय स्वरूप है। प्रिय स्वरूप मतलब होता है स्वरूप पर में जो महाप्रभु का अत्यंत प्रिय, स्वरूप में जो अत्यंत प्रिय है। इसलिए कहते भक्तों में प्रिय भक्त तत्स्वरूप, मतलब भक्तों में सबसे प्रिय भक्त कौन? श्री रूप गोस्वामी। तस्मिन भक्त रूप, ऐसे जो रूप गोस्वामी हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। बोले श्री रूप गोस्वामी की, और उसमें और बहुत सारे दैत्य स्वरूप मतलब क्या है, प्रेम स्वरूप, विलास स्वरूप, सत्ता रूप, टूमर कंडीशन नजर ऑल्सो एक्सप्लेन वाई दिस इज द डिफरेंट नेम, यू नो टूमर कंडीशन रामचंद्र बोलते हैं रामचंद्र हो गया कैसे हो गया? नहीं ब्रो 15 मिनट ही आपके लिए, 15 मिनट और बाकी। हरे कृष्ण बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।